औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज के दौर की बात करें तो आज के दौर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शैतान अपनी गिरफ्त इस ज़मीन पर बढ़ाए जा रहा है और मुसलमान अपने ईमान को कमज़ोर होता देख जा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में भी खुदा के चंद एक बरगजीदा और नेक बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने शैतान को मात दे दी। ऐसी ही एक औरत की कहानी मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियोस आपको मिल सकें और आप आसानी उनको देख सकें। दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। एक बूढ़ी औरत जो कि बिल्कुल अकेली रहती थी, कई दिनों से भूखी प्यासी थी। उसने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया और उनको ये ऐलान शाया करने को कहा कि वो कई दिन से भूखी है और सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है, कोई अल्लाह का नेक बंदा उसे कुछ खाने को दे जाए। अब रेडियो स्टेशन वालों ने वो ऐलान शाया कर दिया। अब इस ऐलान को एक मुनकर बंदा, एक अल्लाह का ना मानने वाला और शैतान का पैरोकार सुन रहा था। उसको एक शरारत सूझी, उसने जल्दी से खाने पीने का अच्छा अच्छा सामान लिया और उस औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से कहा कि ये जाकर उस औरत को ले आओ और अगर वो पूछे कि ये किसने भेजा है तो कहना कि ये शैतान की तरफ से तोहफा है। उसके नौकर ने वो सामान लिया और उस औरत के दरवाजे पर पहुंच गया। जब उसने औरत का दरवाज़ा खटखटाया तो औरत बाहर आई। इतना सारे सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से सारे सामान को अपने घर के कोने में रखने गई। पीछे से नौकर ने आवाज़ लगाई, क्या तुम पूछना नहीं चाहोगी कि ये किसने भेजा है? वो औरत रुकी और मुड़कर उस नौकर को जवाब देने लगी कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरे रब का जब हुक्म आ जाता है तो शैतान भी उसकी तामील करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दें। अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना सबके जारी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारी इसी तरह की नई वीडियोस भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें, जिससे वक्ता फवक्ता नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचा सकते हैं। तो लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नई इसी तरह की प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।